दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास नगर के लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया है। बता दें कि बारिश के समय में कॉलोनी में 3-3 फीट पानी भरने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग घरों में कैद हो गए हैं। आरोप है कि नगर निगम होने के बावजूद भी विकास नगर में कोई विकास नहीं हुआ। नगर निगम से शिकायत करने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं होने पर कॉलोनी वासियों ने दिल्ली आगरा हाईवे को जाम कर दिया है। पुलिस ने लोगों को समझने का प्रयास किया पर वह अपनी बात पर अड़े रहे और कहा जब तक कॉलोनी से पानी नहीं निकाला जाएगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग बाल धोके के ना स्कूल जा रहे, घर बैठे पानी में चलते हैं, ना खाना ना पीना ना नहाना धोना पानी ना, संभल बैठ की सबरी। तो कॉलोनी का क्या नाम है? कौन सी कॉलोनी का नाम है? विकास नगर। तो विकास नगर का है? तो नगर निगम गए तो कोई सुनवाई नहीं हुई? तो क्या मामला, क्यों जाम किया है? अच्छा, तो नगर निगम गए थे, चंदौली की चकिया ब्लॉक में मनरेगा योजना में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रधान और ग्राम पंचायत सहायक हाजिरी में फर्जीवाड़ा कर सरकार से मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले तक 35 लेबरों से काम कराकर 324 लेबरों की हाजिरी लगाई जा रही थी। शिकायत करने के बाद अब फर्जी हाजिरी में गिरावट आई है, लेकिन अभी भी काम 40 कर रहे हैं और हाजिरी 125 की लगाई जा रही है। बता दें कि प्रधान और ग्राम पंचायत सहायक हाजिरी में फर्जीवाड़ा कर सरकार से मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले तक 35 लेबर काम कराकर 324 लेबरों की हाजिरी लगाई जा रही थी। शिकायत करने पर अब फर्जी हाजिरी में गिरावट आई है, लेकिन अभी भी काम 40 कर रहे हैं और हाजिरी 125 की लगाई जा रही है। बता दें कि ज़्यादा जानकारी के लिए अजीत पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, मनरेगा में भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या कुछ अपडेट है? जी, हम आपको बता दें कि चकिया केस में मनरेगा के तहत कार्य कराया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि कई लोग मतलब कि मनरेगा में जो कार्य हो रहा है, कुछ ही लोग का डेली अटेंडेंस दिया जा रहा है और कुछ लोग का फर्जी भरा जा, जिसके कारण से आए दिन भ्रष्टाचार और इसकी उच्च अधिकारी को भी अवगत कराया गया, लेकिन उच्च अधिकारी इससे कोई नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी, बताया जा रहा है कि सरकार से मोटी रकम ऐठी जा रही है, 35 लेबरों से काम कराकर 324 लेबरों की हाजिरी लगाई जा रही है। जी, वही आपको बता दें कि 35 लेबरों से काम कराकर और 325 लेबरों से हाजिरी भरी जा रही है और इन लोग का जब चेक कराया गया तो इसके आला अधिकारी अपना मतलब कि बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, इसे देखा जाएगा। मतलब लगभग कई महीनों से ऐसा देखने को मिला और कई बार हम लोग ने उसको अवगत भी करा, क्योंकि इस पर कोई अथवा भी नहीं हो रहा कि जांच किया जाए और बड़ी कार्रवाई की जाए, कोई अथवा नहीं रहा, बच्चे फिर रहे अधिकारी। क्या शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है? जी, वही शिकायत करने के बावजूद भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, जिसके कारण से आए दिन मतलब कि भ्रष्टाचार चकिया क्षेत्र में मनरेगा के तहत हो रहा है। जी जी, अजीत, ज्यादा जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।